लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सभी के सामने आ गए हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि लगातार तीसरी बार देश में मोदी सरकार आने वाली है। 2019 के मुकाबले आज देखा जाए तो इस बार बीजेपी और एनडीए की पिछली बार से कम सीटें मिली हैं। एनडीए को पिछली बार मुकाबले में 60 सीटें कम, तो वहीं इंडिया गुट को 103 सीटें ज़्यादा मिली हैं। इंडिया अलायंस को इस बार कुल 232 सीटें मिली हैं, तो वहीं एनडीए को 293 यानी बहुमत से 21 ज़्यादा सीटें मिली हैं। भाजपा 240 सीटें जीत कर लगातार फिर से तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो वहीं 99 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, जिन्हें 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं। वहीं बंगाल की ममता बनर्जी चौथे नंबर पर 29 सीटों के साथ बंगाल में सबसे ज़्यादा सीटें लाने में सफल रहीं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के जीत में एक बहुत बड़ी समानता देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों में इतनी बड़ी जीत दिखाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। दोनों ही राज्यों में मुसलमानों ने निर्णायक रूप से बीजेपी के विरोध में वोट के ऐसे नतीजे दिए हैं जिसमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सपा को 2019 में सिर्फ 5 ही सीटें मिली थीं, जो कि अब 8 गुना से बढ़कर 37 हो गई हैं। वहीं टीएमसी जो पिछली बार 22 सीटों पर जीती थी, वो इस बार 29 सीटों पर जीत हासिल करी है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की हर पार्टी के सीट में उछाल में मुसलमान वोट बैंक की अहम भूमिका मानी जा रही है। सभी ही पिछड़ी और दलित जातियों की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो चुनाव के दौरान मुस्लिम विरोधी बयान और माहौल बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा संकट बन के उभरे हैं। इसके अलावा काफ़ी मेहनत के बाद भी बीजेपी पसमंदा मुसलमानों के बीच कुछ सफल नहीं रह पाई। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले आरक्षण के कोटे में से मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को हटाने संबंधी घोषणा ने मुसलमानों को नाराज़ कर दिया है। अगर रिपोर्ट की माने तो भले ही बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 2047 तक विकसित भारत और विकास के एजेंडे से की हो, लेकिन आज आगे चलकर पूरा अभियान ही बदल गया, जिससे मुसलमान समाज इंडिया अलायंस की ओर चला गया।